दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है स्पीड किलोमीटर, यानी पूरा मशीन है ये। और मैंने इसे किस लिए खोला है वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैंने इसे इसलिए खोला है, जब मैं बाइक को स्टार्ट करके आगे बढ़ाता हूँ, आगे भगाता हूँ, तो जैसे मुझे 20 की स्पीड में रहना है तो ये कम से कम 40 की स्पीड में आ जाता है इसका काटा। अगर हम 40 पे आ रहे हैं तो ये 60-70 पे आ जाता है। तो इस तरह की कंप्लेन आ रही है इसमें। ये काटा ऑटोमेटिक ऊपर की ओर चली जाती है, कुछ ज़्यादा ही ओवर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने इसे खोला तो हमने ये देखा कि यहाँ पे थोड़ी बहुत जंग लगा हुआ है, अंदर में डस्ट पड़ा है, तो हो सकता है इसके वजह से प्रॉब्लम हो। बाकी इससे ज़्यादा मैंने जो प्रॉब्लम देखा वो यहाँ पे देखा मैंने कि अंदर पे जो ये स्प्रिंग होता है ये सही तरीके से पूरा वर्क नहीं कर पा रहा है। जैसे हम आगे की ओर करते हैं, ये देखिए कि जैसे हम आगे करेंगे तो ये जल्दी से नीचे नहीं आएगी, ऊपर हम करेंगे तो ये जल्दी से नीचे नहीं आती है। कुछ यहाँ पे भी हमें फॉल्ट देखने को मिल रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम ऑयल डालेंगे, बाकी और कोई काम करना नहीं होता है। हम ऑयल ये डालेंगे, सोकर ऑयल जो होता है वो थोड़ा पतला होता है, हमें वो डालना है। यहाँ पे हमें पेट्रोल का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब प्लास्टिक जो होता है ये थोड़ा पिघल उगल जाती है। पेट्रोल एक अलग चीज़ होता है, हर जगह पेट्रोल काम नहीं करता, तो हम पेट्रोल नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, सोकर ऑयल देंगे। ये हमारे पास सोकर ऑयल है तो आप इसे दे सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम इंजन ऑयल डाल देंगे, इंजन ऑयल गाढ़ा होता है तो उसके वजह से भी ये जल्दी से काम नहीं करेगा, थोड़ी प्रॉब्लम करेगी। तो हम ये सोकर ऑयल डालते हैं और उसके बाद हम डालने के बाद ये सारा काम करने के बाद फिर देखेंगे ये हमारा काम हुआ या नहीं हुआ, ये फिर मैं आपको बताऊँगा काम हुआ या नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ी बहुत यहाँ पर ऑयल डाल देते हैं यहाँ पर। हमने इसे खोला है तो जितना भी गियर है इसके अंदर ये सभी में हम ऑयल डाल देंगे, ये बेहतर रहेगा। और बाकी सबसे ज़्यादा काम हमें यहाँ पे करना है, इसके अंदर डालना है हमें। ऑयल डालने के बाद इसको आगे पीछे इस तरीके से करेंगे तो सारी जगह पर ऑयल चली जाएगी। इस स्प्रिंग में स्पीड नहीं है हमारे ख्याल से, हो सकता है इसका स्प्रिंग भी ख़राब हो गया हो। अगर स्प्रिंग ख़राब हो जाता है तो फिर हम इसे सही नहीं कर पाएंगे किसी भी हालत में। और बाकी इस तरीके से पेचकस लगा के भी आपको आगे पीछे करना है, इस तरीके से हमें उल्टा घुमाना है। इस तरीके से घुमाने पर इसका जो पैनियन होता है, जितना भी गियर है ये सभी गियर घूमता है। और कई बार क्या होता है कि किसी किसी बाइक का ये कांटा तो चलता है लेकिन अंदर का जो किलोमीटर है ये नंबर काम नहीं करता, तो ऐसे हालात में आपको ये पूरा मशीन चेंज करना पड़ेगा। और अगर ये काम कर रहा है, ये नंबर काम कर रहा है और ये सुई काम नहीं कर रहा, तो इस हालात में भी आपको
पूरा मशीन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम मैकेनिक लोग किसी भी तरीके से इसको रिपेयर नहीं कर सकते, हमारे पास कोई भी इसका पार्ट्स नहीं होता है। हालांकि इसका मीटर को सही करने वाला एक अलग मैकेनिक होता है, उनके पास अलग अलग तरीके का इसका पार्ट भी होता है, औजार भी होता है उनके पास, वो सही करते हैं, लेकिन सभी जगह ये चीज़ें उपलब्ध नहीं है। जैसे दिल्ली की करोल बाग में ये सारी मशीन वगैरह ठीक हो जाती है, पर दोस्तों इतना सारा करने की क्या ज़रूरत है, ये तो हम कम से कम 550 रुपये हम खरीद सकते हैं, ये मिल जाता है किसी भी पुराने स्टोर पर आपको मिल जाएगी। बेहतर ये रहेगा कि आप पूरा चेंज कर दें अगर ये सारी चीज़ें काम नहीं कर रहा हो तो इतना मैंने कुछ कर दिया, अब मैं लगा के फिर चेक करूँगा, अगर सही होगा तो फिर मैं आपको बताऊँगा, और इससे ज़्यादा हम मैकेनिक लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो गाइस इतना मेहनत करने के बाद भी ये सही नहीं हुआ तो मैं आपको चला के नहीं दिखा सकता, इसलिए कि हम सिंगल है तो हम कैमरा इस तरीके से नहीं लगा पाएंगे कोई भी तरीके से जो हम आपको दिखा पाएंगे। फिर भी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इन चीज़ों को आप सोच सकते हैं कि जब मैं बाइक को आगे भगाता हूँ तो ये फरदेसी ये जो कांटा है ये ऊपर यहाँ आ जाता है, ये फिर यहाँ आ जाता है, कभी यहाँ साइड पे आ जाता है, कभी ज़्यादा घूम जाता है, कभी कम घूमता है, इस तरह की कंप्लेन आ रही। तो मैंने इसको खोल कर ऑयल वगैरह डाला तो फिर सही नहीं हुआ। लास्ट में मैंने देखो इस तरीके से मैंने नया मशीन डाला इसके ऊपर कि चलो देखते हैं अगर मशीन में कोई गड़बड़ी होगी तो पता चल जाएगा। तो मैंने इस तरीके से इस मशीन को मैंने अलग से लगाया यहाँ पर, तो इसे लगाने के बाद ये सही तरीके से काम कर रहा है। जितना मैं स्पीड में जा रहा हूँ उतना ही ये मीटर आगे जा रहा है, इसका कांटा इतना ही जा रहा है। मैंने 30 पे गया तो 30 जा रहा है, 40 पे गया तो 40 जा रहा है, और ऐसा नहीं कि 80 90 या 100 पार कर गया, इस तरह की इसमें नहीं हो रही है। तो इससे साफ हमें पता चल गया कि इसके मीटर का जो मशीन है वो ख़राब है और इसे चेंज करना होगा। तो आशा करता हूँ वीडियो से फ़ायदा, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।